हेलो एवरीवन। तो आप सभी स्टूडेंट का डिमांड था कि सर कंपनी लॉ और प्रोग्राम और ऑनर्स का एक ही पेपर है, तो मैं दो बार वीडियो डाल के अननेसेसरी का परेशान या कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो दोनों का पेपर एक ही है, सेम है, कोई सेट पेपर नहीं बनाया है, तो उसका सोल्यूशन देख लीजिए। और मैं क्लियर बता दूँ, इसमें 56 मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी है, मैं बताऊँगा भी कि इसके मैंने दो तीन ऑप्शन से एक दो बच्चों से लेकर ट्राई भी किया, तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। आई डोंट नो एसएल वालों ने ऐसा क्यों किया हुआ है। तो काफी सारे आंसर इसके ना गलत भी हैं। अब मैंने तो एक्यूरेट के अकॉर्डिंग टिक किया है, बट भगवान जाने। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक शेयर भी करिएगा, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है चैनल को। तो होपफुली मैं अब कंपनी लॉ के भी, अगर आप लोगों का इस पे एक टारगेट रखते हैं, अगर इस वीडियो पे मान लो 1000 लाइक्स आए, तो कंपनी लॉ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो डालूंगा मेहनत करके, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन देखते जाइए। टू टू का बिल्कुल ठीक है, जिसमें अब इसका आंसर जो है ना क्लियरली एनुअल जर्नल मीटिंग है, लेकिन मैंने एक दो बार ट्राई करके देखा तो बोर्ड मीटिंग करने से सही आंसर आ रहा है। बट ध्यान रखिएगा, आप भी चेक करेंगे तो इसका आंसर एनुअल जर्नल मीटिंग है, आप चेक करिएगा आंसर अपने बुक्स में वही मिलेगा। तो लेकिन सोल वालों ने क्या करा है, बट इसमें इसमें लगाने के बाद आंसर ठीक आया। मैंने पांच छह पेपर सॉल्व किए, ये ठीक है। जिसमें मुझे डाउट होगा मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आप देखते जाइएगा, होपफुली अगर कुछ ब्लर वगैरह हो तो बताइएगा कमेंट में। ये भी ठीक है, मतलब जो है वो जिसमें मुझे डाउट होगा वो मैं बताऊंगा। ये भी ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी सरेंडर ऑफ शेयर्स ठीक है इसका। ये भी पहले प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन, आप वीडियो देखिएगा, काइंड ऑफ कंपनी में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में कराया हुआ है बहुत अच्छे से, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए, आप मैंने यहाँ कैंसिल लिखा है, आप कोई भी ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, आप डी कर दीजिए, ए कर दीजिए, बी, मैंने चारों ऑप्शन टिक करके कर लिया। वैसे एक्चुअल में इसका पास होना चाहिए, लेकिन मैंने इनवैलिड करके भी कर लिया कैंसिल। कोई भी आंसर टिक करिए, आपके आंसर पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप चेक कर सकते हैं, आपके 56 ही रहेंगे, भले ही आप पास कर दीजिए इनवैलिड, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए पास, क्योंकि स्पेशल रेजुलेशन जो पास होता है ना, अगर जिसने नहीं वोट दिए अगेंस्ट दिए हैं, अगर उसका 3 टाइम, अगर अगेंस्ट वाले का 3 टाइम फेवरेबल है तो पास हो जाता है। ये सिंपल सा स्पेशल रेजुलेशन का डेफिनेशन है। लेकिन अब यहाँ पे आई डोंट नो, कोई भी टिक कर रहा हूँ तो आंसर में चेंजेस ही नहीं आ रहा। ये ठीक है हमारा एनसीएलटी ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्स 30 डेज होना चाहिए, बट 60 पे इसका आंसर आया, जो कि आप देख लेना। ये ठीक है, प्रमोटर ठीक है, ये भी ठीक था, स्टेचुरी कंपनी, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट ठीक था, मेरे हिसाब से थोड़ा मैं जल्दी ना करूँ, और ये प्रोस्पेक्टस ये भी ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि माइनर जो है अपॉइंट एज अ डायरेक्टर इन द पब्लिक, फॉलोइंग पर्सन है अपॉइंट एज अ डायरेक्टर पब्लिक कंपनी, माइनर हो सकता है, क्लियरली है, लेकिन इसमें नन ऑफ द अबव लगाया है। बहुत सारे आंसर तो ऐसे हैं जो कि मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट है तो है, आपको करना ही है पेपर तो, क्योंकि हर किसी में पास होना जरूरी है। एक बार मैं फिर से स्लोली कर देता हूं, आप देख लीजिए। ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, याद रखिएगा इस वीडियो पे पूरे 1000 लाइक आएंगे, मैं व्यूज की बात नहीं कर रहा, तो आपको कॉर्पोरेट अकाउंट के वो मैं 20 से 25 क्वेश्चन करवा दूंगा जो कि एग्जाम में एग्जैक्टली आएंगे ही आएंगे। तो फटाफट से शेयर करो, और जैसे ही हो जाए ना, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है वहां पे बोल दो कि सर मैंने करवा दिए, मुझे इसके क्वेश्चन चाहिए, जरूर मिलेगा आपको।
चलिए सर, हो गया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए।